हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे हो। और आज का दिन बहुत ही बहुत ही बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे निकुल भाई यानी कि मेरे देवर जी का बर्थडे है। और मैं हमारी शादी के बाद ये पहली बार उसका बर्थडे मनाना चाहते थे, क्योंकि आया दूसरी बार है लेकिन पहली बार मनाना चाहते थे, उसे सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया है। अभी वो देखेंगे कल ये वीडियो, तो उसे भी पता चलेगा, क्योंकि हमने प्लान किया था कि हम मैं और शैलेश सूरत जाने वाले थे, तो अभी पापा भी यहाँ आ चुके हैं, इसलिए अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि पापा को खेत पे बहुत सारा काम है। और पापा पहले गए हुए थे, तो हमने सोचा था पापा वहाँ हैं तो निकुल भाई का बर्थडे पे हम दोनों जाएंगे, उसे सरप्राइज़ देंगे। तो अभी ये सब फ्लॉप हो गया है क्योंकि पापा अभी यहाँ हैं, इसलिए अभी हम तो जा सकते नहीं हैं, क्योंकि पापा को अभी खेत पे काम है बहुत सारा और मेरी मम्मी यहाँ ऑलरेडी वहाँ पर है, तो अभी हमारा प्लान फ्लॉप हो गया है। तो अभी कोई बात नहीं, वीडियो कॉल पे हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है उनको, और बहुत सारी यानी कि ढेर सारी विशेष भी हमने दी है उसे। और हम दोनों बहुत यानी कि हम तीनों बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आधे से ज़्यादा फैमिली वहाँ है, क्योंकि वो सब मनाने वाले हैं। हमने बोला है कि आप केक लाना और बर्थडे मनाना, लेकिन निकुल भाई मना कर रहे हैं कि नहीं, यह आधे है और आधे नहीं, इसलिए नहीं मनाना, मुझे बताए अगली साल मनाएंगे। तो हमने बोला नहीं, अगली साल पायल भी हमारे साथ होगी यानी कि उसकी वाइफ, तो अभी पायल आएंगी तब तो शायद राह नहीं देखना चाहते। अभी ना बोले हैं मनाने के लिए, कहाँ है हम दोनों ने कि आप केक लाना और बर्थडे मनाना, तो अभी कहा तो है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे शाम को पता चलता है। तो अभी सहेले जग चुके हैं, सुबह सुबह 7:30 बजे जग चुके हैं, और वो नाश्ता करके भी निकल चुके हैं। तो अभी मैं अकेली हूँ, तो देखो मैं फ्री हुई ना, आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, आज फ्री हुई ना, तो अभी 10:30 बज चुके हैं, अभी लंच का टाइम हो जाएगा 11 बजे, तो अभी 10:30 तो हो चुके हैं। तो अभी नीचे जाएंगे, नीचे जाके कोई अच्छा सा सब्जी बनाने का सोचेंगे, क्योंकि शाम को कुछ अच्छा बर्थडे उसका वहाँ मनेंगे और हम यहाँ मनेंगे, इसलिए कुछ अच्छा सोचेंगे शाम को। अभी तो बाजरे का रोटला और कोई भी सब्जी बना देंगे। तो अभी नीचे जाएंगे, नीचे जा के अभी रसोई बनाएंगे, उसके बाद हम वापस मिलेंगे। तो चलिए अब नीचे जाते हैं और शैलेश को बोलते हैं शाम की प्लानिंग कुछ चेंजिंग किया जाए, क्योंकि शाम को प्लानिंग ये था कि हम बाहर जाने वाले थे। तो अभी सुबह सवेरे ही प्लान बना था कि हम बाहर जाने वाले हैं, लेकिन पापा ने बोला कि पापा कभी भी नहीं आते, तो पापा बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, आप दोनों जाके आओ, तो पापा को छोड़ के तो जा नहीं सकते, इसलिए प्लान में थोड़ा चेंजिंग आ जाएगा। तो शायद ऐसा होगा कि हम घर पे मंगाएंगे या फिर घर में ही कुछ अच्छी सी सब्जी या कुछ अच्छा अच्छा बनाएंगे। तो चलो हम नीचे जाते हैं और अभी की लंच की तैयारी करते हैं। चलो हेलो फ्रेंड, तो बपोर नो 1 વાગવાયો છે અને સબ્જી બની રહી છે, વાલોર એન રીંગણા એન વટોણા ને એવું બધું છે, અને સાથે રોટી છે કે રોટો છે, રોટલા છે, તો સારું ચાલો બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે, તો બતાવી દો મેં કીધું। અને આજે એક વિચાર આવ્યો હતો કે વાતો કરતા કે ભાઈ આપણે ઉત્તરાયણના કંઈક વિડીયો હવે ઉત્તરાયણ આવે છે ચાલુ કરીએ, તો કીધું આપણે ચાલુ કરીએ કે અમે છે માવાના કાગળમાંથી જે કાંઈ છે એ પતંગ બનાવતા, ઓલા માવાના કાગળ બધા માવા ખાઈ નાખી દેતા હોય ને, લો તો હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો અભી શામ કે બચ ચુકે 5:30 ઓર અભી ઇનકો મેગી ખાની હે શૈલેશ કો ઉસે ભૂખ લગી હે, તો દોપહેર કો તો ખાના ખાયા થા, લેકિન સવેરે ઉસને નાશ્તા ઠીક સે કિયા થા ના, ઇસલિયે ઉસને ખાના થોડા કમ ખાયા થા, લંચ ઓર કમ કિયા થા, તો અભી ઉસકો ભૂખ લગી હે, તો અભી હમ બનાયેંગે મેગી, તો ચલો હમ મેગી બનાને ચાહતે હૈ, ચલો તો અભી મેં આપકો મેગી બનાતી હું દિખાતી હું, ચલો હમ મેગી બનાતે હૈ।
गरम कर लिया है और ये है हमारी मैगी। अब इसमें जाएंगी है फर्स्ट क्लास। गुजराती मैंने हिंदी में हैंगी महंगी बन चुकी है फर्स्ट क्लास, तो मैंने हिंदी में ही बोला है। चलो तो हिंदी सॉरी महंगी खा रहे थे, साथ में धनिया भी डाला हुआ है, सिंपल सी है। ठीक है सिंपल का है। महंगी में लिखते हैं ना कि 2 मिनट में महंगी तैयार हो जाती है, तो यही 2 मिनट में तैयार होती है, वो मसालेदार नहीं होती है। ठीक है चलो, तो मेरे को भूख लगा था तो मैंने मैगी का ऑर्डर किया और उसने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। ओके चलो बना सॉरी खाते हैं। आने तो खावानी छे नहीं चम नहीं खावी सॉरी उसको खाना नहीं है। इसने बोला मेरे को नहीं खाना सर ना 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 खाने का है। ठीक है दोनों खाएंगे और बाद में मिलते हैं। ठीक है साथ में खाखरा उसका साथ में ही होता है, अभी दूसरा कोई भी नाश्ता करना हो उसका खाखरा तो होता ही है। ठीक है तो चलो नाश्ता कर लेते हैं बाद में मिलते हैं। फ्रेंड्स तो अभी हम शाम का टाइम हो चुका है डिनर का, तो अभी हम बनाने वाले हैं आज डोसा एंड मैसूर बनाने वाले हैं। तो अभी साउथ इंडिया रेसिपी बन रही है, देखो मैसूर तैयार हो चुका है, अभी डोसा तैयार होना बाकी है। अभी ये है उसका बैटर और ये है तवा, तो अभी हम बनाने वाले हैं डोसा एंड मैसूर। तो चलो मैं आज आपको दिखाती भी हूँ कैसे बनाती हूँ मैं हर वक्त, तो अभी वीडियो में कंटिन्यू रहना, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो अभी देखो मेरा मैसूर दिखाती हूँ। अभी मेरा मैसूर रेडी हो चुका है, तो अभी गर्म हो रहा है, अभी उसमें धनिया डालना बाकी है और ये लोडी है और अभी ये बैटर है, तो अभी इसमें डालना है। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम ये गर्म हो जाए ना उसके बाद हम डोसा तैयार करेंगे। तो अभी इसे चखना बाकी है, चले जाएंगे तो अभी चखेंगे। चलो अभी फटाफट से हम रेडी करते हैं डोसा। देखो फ्रेंड तो ये राबड़ा है डोसा का, ये डोसी है और ये प्लेट है। पहला डोसा बनने जा रहा है, देखते रहिए। ठीक है पहला वाला डोसा बन चुका है। चलो फ्रेंड तो अभी सीज जा रहा है, थोड़ा ऊपर भी जाएगा थोड़ा इसमें भी जाएगा, तो पहले इसमें थोड़ा डाल देते हैं पेपर में, फिर उसमें जाएगा। इसमें नमक कम है और इसमें ज़्यादा है तो इसमें इधर डाल रहे हैं। ठीक है तो अभी पेपर पे जाएगा थोड़ा। अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। ओ फर चुका है गोल गोल। ठीक है तो अभी अब खाने के लिए बैठने वाले हैं। अब सीज जा रहा है लास्ट वाला, देख सकते हो आप सीज जा रहा है। देखिए देखो अभी सीज जा रहा है। ठीक है बढ़िया वाला सीज जा रहा है। टोसो से तैयार थी गयो है, राबड़ू है, आमा मीठू ओसू होत सॉरी आमा मीठू ओसू होत पीछे आमा नाख्यू है, बराबर है। तो सर चलो सीज नाखी रही है अने एक पेलो सी टोसो तैयार थी गयो है, तो सर चलो मळी खाई पी अने चलसा करिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे,
और कमेंट करना करिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। तो ठीक है, आप सबको हमारी तरफ से गुड नाइट।